हमारे पहाड़ का ट्रेडिशनल सब्जी है जिसे हम पहाड़ी में लिंगूड़ा बोलते हैं। तो ये सीज़न की पहली सब्जी आज है जो मुझे मिली है, मार्केट में आज ही आई है, क्योंकि ये अधिकतर बरसात में हुआ करती है, बरसात अभी शुरू ही हुई है। तो मैंने ये लेके आया मार्केट से, मैंने सोचा क्यों ना आज इसे मैं बना के ट्राई करूँ। और ये बहुत ही अच्छी पौष्टिक सब्ज़ी होती है, इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है। 4 प्याज लिए मैंने और 4 ही मैंने टमाटर लिए हुए हैं, 4 प्याज 4 टमाटर। अब मैं इनकी चॉपिंग करूँगा। मैं इनको बारीक तरीके से नहीं काटूँगा, मैं इन्हें थोड़ा इस तरीके से कटिंग करूँगा। इससे क्या रहेगा कि सब्जी जो है हमारी, सब्जी में प्याज भी दिखेगा, नहीं तो अधिकतर मोस्टली प्याज जो होता है हमारा सब्जी में गल चुका होता है। इस तरीके की कटिंग आपको करनी है, छल्लेदार भी हम इसे बोल सकते हैं। इस तरीके से प्याज आपको काटना है, इस तरीके के छल्लेदार प्याज कटेगा, ऐसे ही आप लोगों को प्याज काटना है। टमाटर भी मुझे सेम इसी तरीके से काटना है, छल्लेदार बनाना है। देखिए इस तरीके का छल्लेदार आपको टमाटर काटना है। ये मैंने कुछ हरी मिर्ची ली हुई है, मैं इनको थोड़ा लंबे में काटूंगा, इस तरीके से ही काटना है आपको, जैसा कि जाल फ्राजी के लिए भी चॉप की जाती है हरी मिर्च, ऐसे ही हमें इसे काटना है लंबे में। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप डालिए, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लहसुन को भी हम चॉप कर लेंगे। ये हमने फ्रेश लिंगड़ा ले लिया, अब हमें ये इस तरीके से छिलना है। देखिए ऐसे करके हमको ये छिलना है, आप लोग इसे पहले ऐसे करके छिलेंगे, जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है वो हट जाती है। अब इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी, और ये सिर पूरे साल में इसी टाइम पे होता है, बरसात के टाइम पे काफ़ी मात्रा में इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनता है ये लगभग मैंने 50 ग्राम के लगभग मैं इसमें ऑयल डालूंगा। थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल रहेगा ये उतनी अच्छी डिश बनती है। जीरा ऐड कर रहा हूँ इसमें, ये मैंने जीरा डाला है इसमें। जीरे को हम थोड़ा भून लेंगे, ये जीरा हमारा भून चुका है। तो मैं 3-4 इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी सब्ज़ी में। इसे आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपको मिर्च कम लेनी है, मैं इसको फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन। लहसुन को हमें हल्का ब्राउन होने देना है, मिर्च हमारी ब्राउन हो चुकी है। कटी हुई प्याज ऐड कर रहा हूँ, देखिए प्याज के जो छल्लेदार प्याज मैंने काटा था उसके लच्छे जो होते हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ऑयल मैंने इसमें कम ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली सही नहीं रहता। आज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ऑयल भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें कटी हुई मिर्च जो है
ग्रीन चिल्ली वो मैं इसमें ऐड करूँगा ताकि ये भी थोड़ा सा भुन जाए इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगा कटे हुए टमाटर, ये टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा इनको भी भून लूँगा। मैंने 2 छोटी चम्मच सॉल्ट इसमें ऐड किया है, नमक 1 चम्मच में हल्दी ऐड कर रहा हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा कम आधी चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, और ये हमने डाला इसमें धनिया पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेरा मसाला जल ना जाए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगा। मैं इसे नॉन स्टिक में बना रहा हूँ, आप चाहें अगर इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगी। ग्रेवी हमारी जो है रेडी हो रही है, हमें इसे ज़्यादा इसकी घुटाई नहीं करनी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा लिंगूड़े की सब्ज़ी जो हमने काटी हुई थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक किलो लिंगड़े मैंने लिए हुए थे, ये एक फैमिली के लिए काफ़ी होता है। हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये प्याज टमाटर और हमारी ये वेजिटेबल जो है लिंगड़ा ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फ्लेम जो है आँच थोड़ी कम करनी पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा लो में रख देता हूँ। अब मैं इसे बंद करूँगा, ढक्कन हम इसके ऊपर रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से देखेंगे कि कैसा बन रहा है। इसमें हमें कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, इसलिए हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सूखी सूखी इसे बनाएंगे। देखिए सब्जी हमारी जो है लगभग रेडी हो चुकी है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे। ये लगभग सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए घी डाल रहा हूँ। बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट इससे आने वाला है घी से।